वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले क्लांश रहेगा, क्लांश में चार कालम रहेंगे। पहला कालम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। इसमें कक्षा तीन विषय कलर और हिंदी और 35 से 40 मिनट इसका समय है। इसमें सबसे पहले हेडिंग लर्निंग आउटकम, बच्चे हाव भाव के साथ कविता का सस्वर वाचन करते हैं। फिर दूसरी हेडिंग है प्रकरण सबसे पहले। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें हमने पाठ पुस्तक लिया है। फिर अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधियाँ। इसमें चार कालम रहेंगे, पहला कालम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। पहली हेडिंग है शिक्षण की शुरुआत में, इसके लिए समय 5 मिनट का निर्धारित है। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। सबसे पहले शिक्षक बच्चों को कविता का सस्वर वाचन कराएंगे। मिटा अंधेरा हुआ सवेरा, सूरज ने लाली फैलाई, पक्षी मीठे गीत सुनाते नई जिंदगी सब में आई, अपनी कलगी ऊंची करके मुर्गा बोला कुकड़ू कू, हुआ सवेरा जागो बच्चों अब भी तुम सोते हो क्यों। शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे तुम्हारे घर में सबसे पहले कौन उठता है, तुम्हारे घर में सबसे बाद में कौन उठता है, यदि किसी दिन सुबह जल्दी उठ गए या पहले सबसे पहले उठ गए तो क्या देखोगे। ये हो गया। इसके बाद आगे इसी में है शिक्षण के दौरान, अगला चरण की अगली हेडिंग है और इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व आकलन के द्वारा इसका अवलोकन करेंगे, सहभागिता व अवलोकन के द्वारा इसका आकलन करेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता निरचित कविता को पढ़ाने के लिए शिक्षक बच्चों को पाठ पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 25 पाठ 6 सबसे पहले खोलने को कहेंगे। पाठ का नाम है सबसे पहले। शिक्षक पाठ का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करेंगे और कविता का अर्थ बताएंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा पढ़े गए शब्दों को सुनकर पुस्तक में उंगली रखकर शिक्षक द्वारा बोले गए पंक्तियों को दोहराएंगे। इसके बाद समूह कार्य, शिक्षक बच्चों को दो दो के समूह में बांटकर सभी बच्चों को यू शेप में बैठाकर पुस्तक में बने चित्रों को देखकर आपस में एक दूसरे को चित्र के विषय में बात करने को कहेंगे। शिक्षक समूहों का अवलोकन करते हुए समूह की समस्याओं को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसका आकलन किया जाएगा। इसमें शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, जैसे बताओ कभी सबसे पहले उठकर क्या सुनना चाहता है, क्या देखना चाहता है, क्या क्या कहना चाहता है। और इसमें और प्रश्न हमने कुछ लिए हैं, सूरज किस दिशा में निकलता है, सूरज निकलते समय सूरज किस रंग का दिखाई देता है या किस रंग का रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, पुस्तक में कौन से चित्र बने हैं। इसके बाद हम श्यामपट कार्य कुछ करेंगे। श्यामपट कार्य में शिक्षक श्यामपट पर कुछ रंगों के नाम लिखकर बच्चों को लिखने के लिए अपनी कॉपी पर याद करने के लिए कहेंगे। लाल, सफ़ेद, हरा, गुलाबी, नीला, भूरा, पीला, बैंगनी, काला, सुनहला। बच्चे श्यामपट कार्य को अपनी कॉपी में लिखकर शिक्षक से जांच करवाएंगे। इसके बाद गृह कार्य, प्रदत्त कार्य और असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चिड़िया व सूर्य का चित्र घर से बनाकर लाने को कहेंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। शिक्षक पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न व आकलन के दौरान आई परेशानियों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।